नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 जून, दिन मंगलवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हर खेतों में सिंचाई के लिए पहुंचेगा पानी, बिहार सरकार ने शुरू कर दी कवायद। निजी स्कूलों में नामांकन के लिए ज्ञानदीप पोर्टल पर आवेदन करने की बढ़ी अंतिम तारीख। चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर निकली भर्ती। आज प्रदेश के इन जिलों में तेज बारिश की है संभावना। नीट पेपर लीक मामले में जांच के लिए बिहार पहुंची सीबीआई की टीम। ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया ने बनाया रिकॉर्ड। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दसवीं पास वालों के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली भर्ती। बैंक में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 जून है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि दसवीं पास या उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण या इसके समकक्ष पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 26 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। हर खेतों में सिंचाई के लिए पहुंचेगा पानी, बिहार सरकार ने शुरू की कवायद। बिहार सरकार ने हर खेतों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की कवायद तेज कर दी है। 60,616 हेक्टेयर में 2021 से 2023 तक सिंचाई शुरू कर दी गई है। अब प्रदेश में 1,295,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध किया जा रहा है। इसके लिए करीब 7 अरब रुपए खर्च किए जाने की बात सामने आई है। इन योजनाओं को आने वाले 5 सालों में पूरा करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत 117 नहरों की पुनर्स्थापना, 16 नहरों के विस्तारीकरण के साथ 845 वियर चेक डैम समेत अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन करवाया जाएगा। निजी स्कूलों में नामांकन के लिए ज्ञानदीप पोर्टल पर आवेदन की बड़ी अंतिम तारीख। प्रदेश के कई अलाभकारी और कमजोर वर्ग के बच्चों का राज्य के निजी स्कूलों में कक्षा 1 में नामांकन के लिए आवेदन आया है। ज्ञानदीप पोर्टल पर आवेदन करने की अंतिम तारीख पहले 25 जून थी, जिसे बढ़ाकर 1 जुलाई कर दिया गया है। अभी तक गया जिले में सबसे ज्यादा बच्चों ने निजी स्कूल में नामांकन के लिए आवेदन किए हैं। यहाँ से 3,613 बच्चों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं सबसे कम पश्चिम और पूर्वी चंपारण से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें आवेदनों की संख्या क्रमशः 59 और 68 है। जिन बच्चों के आवेदन आए हैं उन आवेदनों की जांच जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय स्तर पर की जाएगी। आपको बता दें कि विभाग से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को आरटीई के तहत 25% सीटों पर अलाभकारी और कमजोर वर्ग के बच्चों को नामांकन देना अनिवार्य रखा गया है। निजी स्कूल के संचालक नामांकन के बाद किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, यदि वे ऐसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। पंचायतों के वार्डों में लगी सोलर लाइट की ऐसी होगी निगरानी। आने वाले 2 महीने में यानी अगस्त तक राज्य की पंचायतों के वार्डों में लगी सोलर लाइट की निगरानी प्रणाली बदलने की तैयारी है। केंद्रीयकृत निगरानी प्रणाली द्वारा सोलर लाइट पर नजर रखी जाएगी। इससे पहले ये पंचायत स्तर पर होते थे। इससे सोलर लाइट से जुड़े रिपोर्ट खुद ही दर्ज हो जाएंगे कि कहां कब और किस वार्ड में सोलर लाइट जल रही है और कहां नहीं जल रही। राज्य सरकार द्वारा निगरानी की इस प्रणाली पर 21,63,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। ये सिस्टम पंचायती राज विभाग के मुख्यालय में लगाया जाएगा। अपनी IRCTC ID से दूसरे की टिकट बुक करना पड़ सकता है भारी। भारतीय रेलवे का नियम कहता है कि यदि आप अपनी पर्सनल आईडी से किसी और का टिकट बुक करते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। आप कभी भी IRCTC की वेबसाइट से अपनी पर्सनल आईडी से किसी और की टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। दूसरे व्यक्ति का टिकट अपनी आईडी से केवल वही बुक कर सकता है जिसको रेलवे द्वारा आधिकारिक तौर पर ये काम दिया गया है। यदि आपने IRCTC के खुद की आईडी से किसी और की टिकट बुक की तो आपको जुर्माना तक भरना पड़ सकता है। आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भरने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। हालांकि आप अपनी पर्सनल आईडी से अपने ब्लड रिलेशन और सरनेम वाले लोगों की टिकट बुक कर सकते हैं। चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर निकली भर्ती। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों में 23 विभागों के अधिक सहायक प्राध्यापक के कुल 1,339 पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। इसकी जानकारी IPRD बिहार ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा की है।
आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 25 जून 2024 है, वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 जुलाई 2024 है। इस विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप bpsc.bihar.bih.nic.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। नीट पेपर लीक मामले में जांच के लिए बिहार पहुंची सीबीआई की टीम। केंद्र द्वारा नीट पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई के हाथों सौंप दी गई है। इस मामले की जांच के लिए सीबीआई की एक टीम बीते दिन बिहार पहुंची, जहां टीम ईओयू से इस मामले में संबंधित सभी साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। इस संबंध में एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि जांच के दौरान ईओयू ने अब तक जो साक्ष्य एकत्र किए हैं, उनमें पटना के एक घर से बरामद हुए जले हुए प्रश्न पत्र के टुकड़े, गिरफ्तार किए गए लोगों के मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप, पोस्ट डेटेड चेक और एनटीए द्वारा उपलब्ध करवाए गए संदर्भ प्रश्न पत्र शामिल है। आगे अधिकारी द्वारा ये भी बताया गया कि गिरफ्तार किए गए सभी लोग पटना में न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई की टीम अदालत से ट्रांजिट रिमांड हासिल करके विस्तृत पूछताछ के लिए दिल्ली जा सकती है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे कोसी महासेतु के बारे में। एनएच 27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का उद्घाटन होने के बाद कोसी नदी पर बने सड़क महासेतु से गाड़ियों पर परिचालन तो शुरू हो गया है, लेकिन कोसी रेल महासेतु का ट्रेन के परिचालन का उद्घाटन 2020 में किया गया। इन दोनों पुलों के निर्माण के समय यहाँ पर गाइड बांध का निर्माण भी किया गया है। यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का नजारा बेहद ही प्रिय लगता है। साथ ही यहाँ पुल के पश्चिमी हिस्से के पास भगवान शिव का एक बहुत पुराना मंदिर भी है, जहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर आपको दूर दूर तक हरियाली नजर आएगी और ठंड के महीने में पहुंचे तो यहाँ पे आपको साइबेरियन पक्षी भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कमल के फूल भी मानसून में देखने को मिल जाएंगे। सीआईडी से प्रसिद्धि पाने वाले विकास रीजेंट सिनेमा में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे। सीआईडी से इंस्पेक्टर रजत के रूप में प्रसिद्ध हुए विकास कुमार बिहार के रहने वाले हैं, जो रीजेंट सिनेमा में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रभात खबर से बातचीत के दौरान बताया कि मनोरंजन से भरपूर और मैसेज के साथ बहुत जल्द बिहार में फिल्म शूट करने वाले हैं, जिसमें गानों पर भी उनका फोकस होगा। साल 1980 और 1990 के दशक के गानों की तरह फिल्में प्रयोग करेंगे। आगे उन्होंने बताया कि काला पानी सीरीज में मगही भाषा का इस्तेमाल कर संतोष सावला का रोल प्ले किया है। उन्होंने कैटरीना जैसे कलाकारों को भी ट्रेनिंग दिए हैं। आपको बता दें कि बिहार शरीफ के रहने वाले विकास परमाणु, धमाका पाउडर, खोटे सिक्के, आर्या जैसे सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। राशन कार्ड धारियों के लिए जारी हुए जरूरी निर्देश। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्ड धारियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल राशन कार्ड में शामिल प्रत्येक सदस्य का आधार नंबर के साथ केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। राशन कार्ड में जिस सदस्य का ई केवाईसी नहीं होगा, उन्हें खाद्यान्न की सुविधा आने वाले समय में नहीं दी जाएगी। हालांकि इस मामले में राज्य के बाहर रह रहे लोगों को राहत दी गई है। जो लोग राज्य के बाहर अपनी आजीविका के लिए रह रहे हैं, वे वहां के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के यहाँ जाकर अपना ई केवाईसी आधार से लिंक करवा सकेंगे। हालांकि ये सुविधा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य के किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान पर राज्य के सभी राशन कार्ड धारी ई पॉस यंत्र के माध्यम से निःशुल्क ई केवाईसी आधार से लिंक करवा सकते हैं। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई के मृत प्राय पहाड़ों को हरा भरा करने की है तैयारी। बीते दिन वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार औरंगाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अतिथि गृह में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जिले में मृत प्राय पहाड़ों को सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा बनाया जाएगा। जिन पहाड़ों तक पहुंचना आसान नहीं है, वहां सीड बॉल ड्रोन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से डाले जाएंगे। बारिश होने पर सीड बॉल प्रस्फुटित और अंकुरित होगा, जिससे खुद ही पेड़ लगेंगे। फिर इन पेड़ों का रखरखाव करने की व्यवस्था भी की जाएगी। बिहार सरकार में मंत्री ने बताया कि 1 जुलाई से वन महोत्सव शुरू हो रहा है। मौसम के अनुकूल होते ही बड़े पैमाने पर यह काम शुरू कर दिया जाएगा। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्रणाली को डिजिटलाइज्ड करने की है तैयारी।
दिसंबर महीने तक बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्रणालियों के डिजिटलाइजेशन की तैयारी है। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों से शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव की मांग की है। राज्य स्तर पर एक एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों के लिए विकसित की जाएगी। इससे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आएगी, साथ ही पारदर्शिता भी बनी रहेगी। बच्चों के नामांकन, शिक्षक कर्मचारी वित्तीय आदि की अद्यतन स्थिति के बारे में शीघ्र जानकारी भी मिल सकेगी। घर जाकर समस्या का समाधान करेंगे डाक विभाग कर्मचारी। डाक विभाग बिहार डाक सर्किल अपने ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक नई योजना लेकर आया है। ग्राहकों को डाक सेवाओं से संबंधित किसी भी तरह की समस्या होने पर आपका डाकघर आपके द्वार योजना के तहत डाक विभाग के कर्मचारी घर जाकर ग्राहकों की समस्या का समाधान करेंगे। डाक विभाग के ऐप पोस्ट इन्फो के जरिए रिक्वेस्ट डालकर ग्राहक घर बैठे ही समस्या का निवारण करा सकते हैं। खाते से संबंधित समस्या, वित्तीय लेन देन, कोर बैंकिंग आदि किसी भी तरह की समस्या के लिए विभाग के कर्मचारी ग्राहक के घर पर पहुंचकर उनकी समस्या का समाधान करेंगे। घर पहुंचने वाले कर्मचारी ग्राहकों को डाक विभाग की नई योजनाओं के बारे में भी जागरूक करेंगे। इस दिन से शुरू होगा मॉनसून सत्र जाने कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव के बाद पहला मॉनसून सत्र बिहार विधानसभा मंडल में शुरू होगा। इसकी शुरुआत 22 जुलाई से होगी जो कि 26 जुलाई तक चलेगा। इसके लिए राज्यपाल की अनुमति ले ली गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पहला अनुपूरक बजट मॉनसून सत्र में पेश होगा। इसके अलावा गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प पर प्रमुख रूप से 23 जुलाई को चर्चा होगी। फिर राजकीय विधायक और अन्य राजकीय कार्य पर 24 जुलाई को चर्चा देखने को मिलेगी। फिर वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक बजट पर 26 जुलाई को चर्चा होगी और सरकार का उत्तर दिया जाएगा। बिहार के ये विश्वविद्यालय डिफॉल्टर हुए घोषित। विश्वविद्यालयों में लोकपाल नियुक्त नहीं करने वाले विश्वविद्यालयों की यूजीसी द्वारा सूची जारी की गई है, जिसके तहत देश के 157 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। इन 157 विश्वविद्यालयों में 108 स्टेट यूनिवर्सिटी, 47 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी का नाम शामिल है। इसमें बिहार के भी 3 सरकारी और 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी शामिल है। इसमें बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना, बिहार चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय पटना और तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर शामिल है। वहीं बिहार के जिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी को डिफॉल्टर घोषित किया गया उसमें अल करीम विश्वविद्यालय कटिहार और माता गुजरी विश्वविद्यालय किशनगंज शामिल है। आज सरकारी और गैर सरकारी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित। आज बिहार के सरकारी और गैर सरकारी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। ये परीक्षा 37,400 से भी अधिक सीटों के लिए आयोजित हो रही है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में इस परीक्षा के रिजल्ट आने की संभावना है। आज परीक्षा केंद्रों पर सीटी बीएड के परीक्षार्थियों को सुबह 8:30 तक पहुंचना जरूरी होगा। इस दौरान परीक्षार्थियों को अपने साथ प्रवेश पत्र और अन्य फोटो पहचान पत्र जैसे आधार आदि लाना जरूरी होगा। परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र 2 प्रतियों में रखना जरूरी होगा। ये दोनों ही प्रतियां फोटोयुक्त होनी चाहिए। परीक्षा को कदाचार मुक्त रखने के लिए सभी केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज प्रदेश के इन जिलों में तेज बारिश की है संभावना। प्रदेश में मॉनसून के प्रवेश के साथ ही अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। प्रचंड गर्मी और लू से बिहार वासियों को काफी राहत मिल सकी। बिहार में मॉनसून सक्रिय हो चुका है और कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है। आज भी प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। वहीं आज प्रदेश का अधिकतम तापमान 36-38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री रहने की बात कही गई है। बिहार के गया जिले में अग्निवीर सेना भर्ती के लिए निकलेगी रैली। बिहार के गया जिले में अग्निवीर सेना भर्ती के लिए रैली होने वाली है। इस अग्निवीर सेना भर्ती का आयोजन गया के BMP-3 कैंप परिसर में देखने को मिलेगा, जहां बिहार से शॉर्ट लिस्ट किए गए पुरुष उम्मीदवार पहुंचेंगे। इसकी पूरी जानकारी अग्निवीर सेना भर्ती के निदेशक कर्नल राहुल द्विवेदी ने सोमवार को दी है। उन्होंने बताया है कि 25 से 29 जून तक BMP-3 कैंप परिसर में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, रोहतास, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा और शेखपुरा के पुरुष उम्मीदवार हिस्सा लेंगे।
रात में 10 बजे के बाद बजा रहे हैं डीजे, तो इन बातों का रखे ख्याल। अक्सर शादियां या अन्य किसी समारोह में डीजे पर धूम धड़ाके से लोग एंजॉय करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हमारे देश में रात के 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर मनाही है। यदि आप इस नियम के विरुद्ध जाते हैं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। अक्सर शादी और अन्य समारोह में रात में डीजे ना बजे तो मजा किरकिरा सा हो जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यदि आप कुछ बातों का ख्याल रखें तो आप रात के 10 बजे के बाद भी डीजे बजा सकते हैं। यदि आप रात के 10 बजे के बाद डीजे बजा रहे हैं तो उसे उसी साउंड पर रखें जिससे आसपास के लोगों को अधिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। यानी आप इस साउंड को 70 डिसेबल से कम पर रखकर बजा सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी आप 10 बजे के बाद केवल 2 घंटे ही डीजे का मजा ले सकेंगे। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया ने बनाया रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 के मुकाबले में आखिरी मैच खेला। इस मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दिया। अब टीम इंडिया 27 को इंग्लैंड के साथ भिड़ेगी। इस मैच को जीतने के बाद टीम इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने 41 गेंदों पर 92 रनों की पारी खेली है। सूर्य कुमार यादव ने 16 गेंदों पर 31 रन का योगदान दिया। वहीं शिवम दुबे ने 28 रन और हार्दिक पांड्या ने नाबाद 27 रन बनाए। नीट पेपर लीक मामले में राजद प्रवक्ता ने किया बड़ा दावा। सीबीआई भी अब नीट पेपर लीक मामले की जांच में जुट चुकी है। नीट पेपर लीक को लेकर विवाद, काफी सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब इसी बीच सांसद और राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा का बयान सामने आया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा करते हुए कहा है कि संजीव मुखिया, जो बीपीएससी परीक्षा की हेराफेरी में भी सूत्रधार थे, उनके बेटे शिव का नाम सामने आया है, जिसने बाहर से ही जमानत ले ली। संजीव मुखिया कौन है उसको जानने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। संजीव मुखिया की पत्नी जदयू की बड़ी नेता है और जदयू और चुनाव लड़ चुकी है। साथ ही राजद नेता ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जो किंग पिन है उसे बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। भोजपुरी में शपथ नहीं ले पाने के कारण दुखी हुए सारण से नवनिर्वाचित सांसद राजीव रूडी। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में सारण से नवनिर्वाचित सांसद राजीव प्रताप रूडी ने शपथ ग्रहण लेने पहुंचे। इस दौरान वे भोजपुरी भाषा में शपथ नहीं ले पाए, जिस वजह से उन्हें इसका काफी दुख हुआ। उन्होंने कहा कि अपनी भाषा में शपथ ले रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग भी यदि भोजपुरी में शपथ लेते तो और अच्छा लगता। आपको बता दें कि संविधान के अनुसार शपथ ग्रहण 8वीं अनुसूची में निर्धारित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में ही ली जा सकती है। इन 22 भाषाओं में भोजपुरी शामिल नहीं है, जिस वजह से राजीव प्रताप रूडी को हिंदी में शपथ लेना पड़ा और वे भोजपुरी में शपथ नहीं ले पाए। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1932 में भारतीय क्रिकेट टीम ने ब्रिटेन के लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। आज के दिन वर्ष 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। आज के दिन वर्ष 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज को 43 रनों से हराकर पहली बार विकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। आज के दिन वर्ष 2004 में रूस द्वारा भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1904 में भारतीय राजनीतिज्ञ सुचेता कृपलानी का जन्म हुआ था। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे अटल सेतु पर आई दरार को लेकर वायरल हो रहे इस पोस्ट के बारे में। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि अटल सेतु में दरार आ गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट में एक तरफ अटल सेतु पर खड़े पीएम मोदी की तस्वीर और दूसरी तरफ सड़क पर दरार पड़े तस्वीर दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से भ्रामक है। ये दरारें अटल सेतु पर नहीं बल्कि उल्वे से मुंबई की तरफ MTHL को जोड़ने वाली अप्रोच रोड पर आई है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी भी पोस्ट की सत्यता परखे बिना ही उस पर विश्वास करने से बचे। इस खबर को PIB फैक्ट चेक ने भी शेयर किया है, जहां इसे पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। परीक्षाओं में अनियमितता को देखते हुए UPSC ने इस तकनीक के इस्तेमाल का लिया फैसला। इन दिनों दो बड़ी परीक्षाएं नीट और नेट सवालों के घेरे में आ चुकी हैं।
दोनों ही परीक्षाओं में अनियमितता से जुड़े विवाद के कारण काफी चर्चा देखने को मिल रही है। अब इन्हीं विवादों को देखते हुए यूपीएससी ने अपने कई परीक्षणों में धोखाधड़ी और नकल को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के उपयोग का फैसला लिया है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेहरे की पहचान करने में मदद मिलेगी। इसके तहत एक और आधार बेस्ड फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन और दूसरे उम्मीदवारों के चेहरे की पहचान व ई एडमिट कार्ड को क्यूआर कोड स्कैनिंग के जरिए तकनीक होगा। परीक्षा प्रक्रिया के दौरान दोनों ही तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार से गुजरने वाली जीटी रोड किसने बनवाई थी? ऑप्शन ए है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी है बहलोल लोधी, ऑप्शन सी है सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी। इसका सही उत्तर है शेरशाह सूरी। पाल वंश के बाद बिहार में 12वीं सदी में किसका राज रहा? ऑप्शन ए है नुहानी वंश, ऑप्शन बी है खिलजी वंश, ऑप्शन सी है गुरहवाल, ऑप्शन सी है गुरहवाल वंश, ऑप्शन डी है तुगलक वंश। इसका सही उत्तर है गुरहवाल वंश। 6 जुलाई 1905 को बंगाल के बंटवारे की खबर सबसे पहले किस समाचार पत्र ने छापी थी? ऑप्शन है स्वराज, ऑप्शन बी है संजीवनी, ऑप्शन सी है कालांतर, ऑप्शन डी है आनंद बाजार पत्रिका। इसका सही उत्तर है संजीवनी। 1943 में आजाद हिंद फौज के किस कॉमरेड के द्वारा ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल खोला गया? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट कर्नल MZ कियानी, ऑप्शन बी हबीबुर रहमान, ऑप्शन सी है मोहन सिंह, ऑप्शन डी है लेफ्टिनेंट कर्नल JK भोंसले। इसका सही उत्तर है हबीबुर रहमान। भारत को वित्तीय स्वायत्तता देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित किया था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी है 1930। इसका सही उत्तर है 1919। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने के नाम है श्रवण कुमार, रंजेश कुमार, काजल कुमारी, पिंकी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, सुदर्शन पासवान, लखन सिंह, सुमन कुमारी और कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, संजय कुमार शर्मा, बाबूलाल मरांडी, जितेंद्र ठाकुर, बिरजू कुमार, रवि कुमार राम, मोहम्मद साकिर हुसैन, अतीक खान, नुनु गोलू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके वार्ड में लगी सोलर लाइट सही तरीके से काम कर रही है? यदि हाँ तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।